लाउड बोलना। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस भाई, गाना तेज हो रहा है, काफी सारे लोग सेंटर, लोग सेंटर, लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करें। क्या कुछ बताना चाहेंगे, इतना सारा प्यार मिला गाने को? पहले तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, और ये बताना चाहूंगा कि जैसे गाने को प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, बट मिल रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कहना चाहूंगा कि जैसे प्यार आप दे रहे हैं गाने को, वैसे ही देते रहे, और बाकी तो सब बढ़िया जाएगा। बस हर प्रोजेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी अक्सर जुड़ी हुई होती है, तो इस गाने को लेकर भी कुछ आपके ऐसे कुछ कहानी है, कोई इंसिडेंट जुड़ा हो जो आप उनसे शेयर करना चाहेंगे? इस गाने के पीछे तो गुड लक है मेरा, और ये पहला गाना है जो मैंने डब किया जानी भाजी के लिए और टीम के लिए, और अब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने बड़े बड़े गाने अब कर रहा हूँ, और वायरल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। इतना उन्होंने सपोर्ट किया, इतनी बड़ी कंपनी है और गाना इतना बड़ा है, स्पेशली कमिशन भी जो पुराना वाला है, और इसका थोड़ा प्रेशर था कि उसको कैसे किस लेवल पे पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, बट मैंने अपनी कोशिश करी और वो तो अलग ही चीज़ है। तो जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है, मैंने अपना 100% दिया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़। देखा जाए तो भाई आप भी एक उभरते हुए सितारे जो इंडियन इंडस्ट्री पे राज भी कर रहे हैं, थोड़ी सी उम्र से आपने शुरुआत की और गाने भी इतने पसंद आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि आगे भी कुछ नए गाने आपकी तरफ से आ सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा इन दिनों रीअरेंज करके जो गाने थे, पुराने गानों को रिक्रिएट रीअरेंज करके हम सभी के बीच में लेकर आए, इस बारे में आपकी क्या राय, इसी तरीके के गाने रिक्रिएट रीअरेंज होना चाहिए या फिर नए गाने अपने नए वर्जन में लाने चाहिए? मैं रीमिक्स को लेकर थोड़ा मेरा नेगेटिव पॉइंट है, बट रिक्रिएशन को लेकर मेरा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली नेगेटिव वो भी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि लोग समझते हैं कि रीमिक्स जो है वो ख़राब है, क्योंकि उसमें जस्ट म्यूज़िक चेंज होता है और कुछ नहीं होता। बट मेरा मानना है कि जो गाने कभी मर ही नहीं सकते, जो गाने इतने लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं उनको आप 1000 बार भी निकालोगे वो अच्छे ही रहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि ये पहले भी सॉन्ग आ चुका है, तो आपने मुझे एक एडवाइस दिया था जानी पाजी ने रिकॉर्डिंग से पहले कि तुम्हें पूरी छूट है, जो करना है करो गाने में, और बस वो उससे कॉन्फिडेंस आया और मैंने जितना उसका अपनी तरफ से इनको किया और कोशिश की। कट जिस तरीके से आपने कहा कि उन गानों को लेकर जो बनाया वैसे ही रहने से, लेकिन अगर आपको कभी इन फ्यूचर मौका मिले तो कोई एक ऐसा गाना है जिसका आप वेट करो कि एक बार ये गाना दिया तो इसको अपने हिसाब से बजाना चाहूँगा, कोई सुना आपने कोई गाना? बहुत सारे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये गाने रिक्रिएट करना, मैंने तो लिस्ट बना कर रखी है ऐसे कि ये गाने मुझे अच्छे लगते हैं, तो उनमें से है वो है, और मेरी इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, ये सारे गाने बहुत सुनता हूँ, और यही होंगे वो गाने अगर मुझे रिक्रिएट करने होंगे। अगर बात करूँ मैं आपकी गाने जो भी आ चुका जो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट कोई कमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद, जो अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ यार इस गाने की सफलता होगी इस कॉम्प्लीमेंट के बाद, फैन फैमिली कहीं से कोई कॉम्प्लीमेंट आया होगा आपका? ये इसको मैं जितना प्यार मिलते देख रहा हूँ इस गाने को, और वो सब कंबाइन करके मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है कि ये मेहनत रंग लाई है, और जैसे मेरी खुद की फैमिली जो है वो मेरे गाने उतने नहीं सुनते, मेरी परफॉर्मेंसेज ज़्यादा सुनते हैं वो, उसको पता से नहीं, बट जब से कभी शाम मेरे आया है पूरी फैमिली मेरी ये गाना रिपीट पे सुन रही है, और हर वक्त यही चल रहा है, लोग जैसे भी लगा रहे हैं मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये गाने को इतना प्यार मिल रहा है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। गाना बहुत ही रोमांटिक है, थोड़ा अगर दिल के तारों को छेड़कर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कार्तिक अरुण के भी बहुत सारे क्रश है बहुत, लेकिन आपके स्माइल के कारण जो आपकी क्रश फैन फॉलोइंग बनी उसके बारे में क्या बता, इस गाने से कितने लड़कियों ने आपको प्यार दिया बताइए? पता नहीं कुछ तो पता नहीं, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आ गया कहीं ना कहीं से क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई आपको। कॉम्प्लीमेंट तो सबसे अच्छे आ रहे हैं, और अभी इतने सारे एक साथ आ रहे हैं ना, तो वैसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप? हाँ समझ रहा, समझ रहा। इस गाने की अगर दो लाइन हो जाए ऑडियंस को जबरदस्त लगेगा। ओ कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ओ लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना, ओ मेरा घर जलाने वाले सुन मेरी, ओ
तेरा घर जले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह से कि फिर लौट के ना जाना। जिन ऑडियंस ने इतना सारा प्यार है, जिन फैंस ने, उनके लिए लास्ट में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच इतना प्यार दे रहे हैं इस गाने को, और उसके बाद यही रिक्वेस्ट है कि और भी ज़्यादा इसको प्यार दीजिए। आपने इसको सुना है, बार बार सुनिए, स्पॉटीफाई पे स्ट्रीम कीजिए और हर जगह अपने रिलेटिव्स को भेजिए, दोस्तों को भेजिए, और यही है बस, जितना हो सके उतना प्यार बरसा दीजिए गाने पे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक बार और थोड़ा।